energy disk wasn't challenging enough for you, huh? I guess we'll just have to raise the stakes! And double the fun! As you wish, Frieza. Give me a break, not this stupid routine again! Few moments later. It's time to finish this fight once and for all! Hey, look out behind you! Get down now! My own attack? Once more! My own attack? Music. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Who's that Pokemon? मालूम है मेरे को थंबनेल देख के तुम लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है। अब सब्सक्राइबर के डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बना रहा। तो फटाफट मुद्दे की बात करते हैं। आप सभी ने पोकेमॉन एनिमी में एश कचम को देखा होगा। वो बहुत सारे रीजन्स में ट्रैवल करता है, बहुत सारे पोकेमॉन्स है उसके पास। और एक खास बात थी, जब भी ये सफर पे निकलता है तो अपने आप इसके दोस्त बन जाते हैं, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐश अपने सफर पे जितने भी बार निकला है हमेशा उसके साथ एक पोकेगर्ल रही है। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 पोकेगर्ल्स हु लव ऐश। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं करूँगा। जैसी जो पोकेगर्ल है उसको मैं सीजन के हिसाब से रखूँगा, क्योंकि इस मामले में रैंकिंग करना मेरे बस की बात नहीं। आप मेरे लिए रैंकिंग कर दो, कमेंट सेशन आपके लिए खुला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी फेवरेट पोकेगर्ल का नाम कॉमेंट में बता देना, और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आती है मिस्टी। और ऐसा क्यों है आप सभी को पता है कि बाकी पोकेगर्ल्स के मुकाबले मिस्टी ने सबसे ज़्यादा बार ट्रैवल किया है ऐश के साथ। पहले कैंटो रीजन और फिर ऑरेंज आइसलैंड वाला रीजन और जोटो रीजन। तो देखा जाए तो मिस्टी ने ऐश के साथ कुल 5 सीजन तक ट्रैवल किया है। इतना लंबा ट्रैवल आज तक किसी पोकेगर्ल ने नहीं किया। तो आपको पता ही है ऐश मिस्टी के साथ कैसे मिला था। ऐश जो है फियरो के झुंड से जान बचाने के लिए मिस्टी की साइकिल ले लेता है और फिर उसे तोड़ देता है। फिर एक साइकिल के चक्कर में मिस्टी ऐश के साथ सफर करने लगती है। जब मिस्टी ऐश से ये बोलती है कि जब तक तुम मुझे मेरी साइकिल नहीं दे देते तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तब हमें पहली दस्तक मिली थी कि मिस्टी ऐश से प्यार करती है। खैर शुरू में मिस्टी भी ऐश को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन बाद में चल के उसे ऐश से प्यार हो गया। और ये बात साबित करने के लिए बहुत सारे पोके शिपिंग मूवमेंट्स भी है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मूवमेंट मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मिस्टी को ऐश से प्यार है। तो आपको ऑरेंज आइसलैंड का वो वाला एपिसोड तो याद ही होगा, मिस्टी मेड सर मैच वाला, जिसमें मिस्टी ब्रूडी नाम का एक जिम लीडर था उसकी बहन को डूबने से बचाती है। तो ब्रूडी को मिस्टी बहुत पसंद आ जाती है। तो ब्रूडी मिस्टी को बोलता है कि तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ, हम दोनों मिलके बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स पकड़ेंगे। तो मिस्टी मुंह पे मना करके ये बोल देती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे कोई और पसंद है। अब वो बात अलग है कि ऐश को नहीं समझा, लेकिन हम सबको समझ गया बस। और जब भी कोई लड़की ऐश के करीब जाने की कोशिश करती थी तो मिस्टी को बहुत जलन होती थी, जैसे कि पोकेमॉन मूवी 2 में और एक बार जोटो लीग में भी एक लड़की ऐश के पीछे पड़ी थी। और हाँ, यहाँ से मुझे याद आया, नंबर टू पे आती है मेसी। मेसी को हमें सिल्वर कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था, यानी जोटो लीग के आखिरी के कुछ एपिसोड्स में, जहाँ पे ऐश मेसी को पहाड़ से गिरने से बचाता है और उसके वर्ल्ड पे एक सपनी बेलीफ और पिकाचू को टीम लॉकेट से बचा लेता है। तो इसको ऐश से प्यार हो जाता है।
फिर बार बार मिस्टी ऐश के करीब रहने के बहाने ढूंढती थी और इसी बात को लेके उसके और मिस्टी के बीच में बहुत झगड़े होते थे। माँ कसम जोटो लीग में ऐश की बैटल देखने ज़्यादा इन दोनों की बैटल देखने में ज़्यादा मजा आती थी, लेकिन हमारा ऐश भाई सख्त लौंडा है, पिघला नहीं कभी। चलो अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे आती है एनाबेल। अबे ये नहीं, ये एनाबेल हमें बैटल फ्रंटियर में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये बैटल फ्रंटियर की सेकंड लास्ट ब्रेन थी और इसे हराना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये अपने पोकेमोन को मुंह से ऑर्डर दिए बिना ही उन्हें ऑर्डर दे रही थी, मतलब ये पोकेमोन के मन से मन बात करती थी। फिर जब ये ऐश से मिली तो इसने देखा कि ऐश अपने पोकेमोन्स को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए इसे भी ऐश से प्यार हो गया और इसे हराने में ऐश को बहुत मुश्किल हुई। पहले तो ऐश इससे बहुत बुरी तरीके से हार गया और फिर जब इन दोनों की रीमैच हुई तो ऐश ने एनाबेल को हरा दिया। और फिर भी आपको नहीं लगता कि एनाबेल को ऐश से कभी प्यार था तो आप जरा ये वीडियो क्लिप देखो। लेकिन सीधी सी बात है, जब हमारा ऐश मिस्टी का इशारा नहीं समझा तो इसका क्या समझेगा। अब हमारा ऐश ठहरा सख्त लौंडा, यहाँ बिल्कुल नहीं पिघलाओ। बात कर लेते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर आती है डॉन। डॉन हमें सिनो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसकी कहानी भी सेम है, पिकाचू इसकी साइकिल तोड़ देता है। इस लड़की को आप जानते होंगे, एक दो एपिसोड के लिए हमारे ऐश डॉन और ब्रॉक के साथ सफर कर रही थी। उसी दौरान ये डॉन से पूछती है कि या तो तुम ऐश को प्रपोज कर दो या मैं कर दूंगी। डॉन शर्माती है, डॉन कुछ बोल तो नहीं पाती लेकिन हम लोग सब समझ जाते हैं। I thought 3 choices. What are you talking about? Corey, he's out of the question. Hey Dave, is Ash your boyfriend? Huh? Ash, no way. इतना ही नहीं, ये डॉन के बचपन का दोस्त रहता है। जब डॉन का अपना ग्रैंड फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है तब ये डॉन को बोलता है कि चलो हम दोनों साथ मिलकर सफ़र करते हैं, मगर डॉन इसको मना कर देती है और ऐश के साथ सिनो लीग में उसको सपोर्ट करने चले जाती है। तो ये तो दो दस्तक मिल गई कि डॉन को ऐश से प्यार है। सुनो डॉन, मैं लाइट हाउस के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम्हें मेरे साथ सफर पर आना है तो वहां पर आ जाना। यानी सुनो, मेरे फ्यूचर के प्लान के बारे में, इस वक्त मैंने ऐश के साथ जाने का फैसला किया और सिनो लीग में जाके उसको सपोर्ट करूंगी। मुझे इस बारे में सोचना है कि उसके बाद में क्या करूंगी और सिर्फ मैं ही इसे समझ सकती हूं। लेकिन एक बात की गारंटी दे सकती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे अच्छा कोऑर्डिनेटर बनने के सपने पर काम करूंगी और जब तक हम उस सपने को साकार करते हैं नहीं, मुझे यकीन है कि हम फिर से मिलेंगे, इस पर भरोसा। तो दोस्तों नंबर 5 पर आती है लायरा। कसम से बताऊं ये एड बीच में मैंने नहीं लगाया। लायरा हमें सिर्फ 3-4 एपिसोड्स के लिए दिखाई गई थी पोकेमोन के सीजन 12 गैलेक्टिक बैटल्स में। तो अभी मैंने आपको बताया, ये डॉन को बोलती है कि या तो तुम ऐश को प्रपोज करो या मैं कर दूंगी, तो मतलब इसे भी ऐश से प्यार था। लेकिन जब ये देखती है कि डॉन ऐश से प्यार करती है तो ये अपना रास्ता बदल देती है। ये एक दूसरे लड़के के साथ सफर कर रही थी, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़की भी ऐश को पसंद करती थी। नंबर 6 पर आती है एनजी। अब सेम सीजन यानी सीजन 12 के कुछ एपिसोड में एनजी हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये होता ये है कि ऐश, ब्रॉक और डॉन एक पोकेमोन समर कैंप में जाते हैं जहां ऐश एनजी से मिलता है। शुरू में तो दोनों एक दूसरे के कड़े विरोधी होते हैं, लेकिन बाद में चल के एनजी को ऐश से प्यार हो जाता है। बात कर लेते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर आती है मे। हाँ, मे को भी ऐसी क्रश माना जाता है लेकिन कोई भी 100% श्योर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरह। नंबर 8 पर आती है चिकोरिटा। हाँ, चिकोरिटा को भी ऐसी क्रश माना जाता है, ट्रेनर वाला क्रश नहीं, कौन सा वाला क्रश आप समझ जाओ। फिर आप सभी ने पोकेमोन की 5वीं मूवी देखी होगी, उसमें एक लड़की ऐश को किस करके चली जाती है, पता नहीं ये लाटियस थी या बियंका थी, अभी तक ये बातें कन्फ्यूजन है, लेकिन इसे भी ऐश से प्यार था। चलो अब बढ़ते हैं आखिरी पोकेगर्ल की तरफ। नंबर 10 सरीना। अब सरीना के बारे में सब लोग जानते हैं, जब ऐश और सरीना छोटे थे तब वो दोनों प्रोफेसर ओक की कैंप में गए थे जहाँ सरीना एक पॉलीवैक की वजह से घायल हो जाती है, तो ऐश उसकी मदद करता है और तभी से सरीना को ऐश बहुत पसंद आ जाता है। वैसे तो मैंने अभी तक सिर्फ सीजन 18 का एपिसोड नंबर 10 ही देखा है, लेकिन पहला सीजन ही काफ़ी था ये साबित करने के लिए कि सरीना को ऐश से प्यार है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि ऐश को भी सरीना पसंद थी क्योंकि सरीना को उसकी टीम में आने के लिए ऐश ने ही बुलाया था, और जैसा कि आप सभी को पता है XYZ के लास्ट एपिसोड में सरीना ने ऐश को किस कर दिया था। Hey Ash, there's just one more thing. Huh?
बस दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो पॉके क्विज है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। जो 3 लोग सही आंसर देंगे उनका नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहो, आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।